हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे हिंदी का 10th स्टैंडर्ड हिंदी का फोर्थ चैप्टर छापा। छापा मतलब क्या है? इन अ सेंस यहाँ पर छापा का मतलब है रेड, जो इनकम टैक्स की रेड होती है बड़े बड़े घरों में, जो अमीर लोग रहते हैं उनके पास जो रेड होती है, उनके इधर अचानक जो रेड पड़ती है। इसके ऊपर पिक्चर्स भी बनाए गए हैं, मूवीज़ भी बनाई गई है, तो वो जो रेड होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छापा। तो ये जो है, ये पोएम किसने लिखी है? ओम प्रकाश आदित्य इस पोएम के लेखक है। ठीक है, परिचय, अभी इस लेखक के बारे में, उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, वो सब देखते हैं। तो जन्म 1936 में इनका गुरुग्राम हरियाणा में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और मृत्यु 2001 में भोपाल में इनका मृत्यु हुआ, मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश भोपाल के, इसमें इनका मृत्यु हुआ 2001 में। ठीक है, परिचय। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी के वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य के गहनतम संवेदना के पारखी थे। मतलब क्या, उन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था लेखक लेखन के बारे में, या फिर जो पोएम्स लिखते थे। और स्पेशली वो किस बात के लिए जाने जाते थे, या फिर किस टाइप के पोएम के लिए जाने जाते थे? हास्य व्यंग्य मतलब क्या, टॉन्ट मार के, या फिर एक कॉमेडी टाइप में, या हास्य बोलते हैं ना, जो कॉमेडी करते हैं वो, एक टॉन्ट मारते हुए या कॉमेडी टाइप में आपको एक बड़ा लेसन सिखा जाना, या फिर एक जो सेंसिटिव चीज़ जो रहती है, या फिर सेंसिटिव जो बातें रहती है जो बहुत ज्ञान दे सकती है, उन बातों को एक्सप्लेन करवाना एक अच्छे से व्यंग्य के तरह में। व्यंग्य मतलब जोक्स के माध्यम से, या फिर टॉन्ट के माध्यम से। टॉन्ट मतलब बोलते हैं ना, एक टॉन्ट देते, चिढ़ाते हैं वैसे। ठीक है, व्यंग्य इन अ सेंस कॉमेडी, सिंपल बात समझो, कॉमेडी या फिर कोई जोक मार के ये अपना पोएम बताते थे। और इसमें ये बहुत ही अच्छे कवि थे इस सेक्टर में, मतलब व्यंग्य करके पोएम लिखना, इसमें ये बहुत ही अच्छे महारथी थे समझो। ठीक है, पारखी मतलब क्या, सब उनको पता था, मतलब बहुत अच्छे से वो एक्सपर्ट थे सब चीज़ों में, इन व्यंग्य कथाओं के या फिर व्यंग्य कविताओं में। ठीक है, आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। मतलब क्या, वो जो थे वो व्यंग्य कवि, मतलब जो कॉमेडियंस में जो कविताएं एक जोक में लिखी जाती है, या फिर एक कॉमेडी वे में लिखी जाती है, उन कविताओं में इनका बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, किनका नाम था? ओम प्रकाश आदित्य, जो इस पोएम के लेखक है। ठीक है, प्रमुख कृतियाँ, अभी उनके कुछ पॉपुलर या फिर जो होते हैं ना बहुत अच्छे, उनकी जो बुक्स है या कविताएं है या काव्य संग्रह है, वो कौन से हैं वो देखते हैं। इधर भी गधे उधर भी गधे, ये एक काव्य संग्रह का नाम है। सेकंड है मॉडर्न शादी, यह कथा का नाम है। गौरी बैठी छत पर, यह काव्य संग्रह का नाम है। और आदि, आदि मतलब और भी बहुत सारे हैं, पर ये उनके बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही स्पेशल लेखन है। ठीक है, अभी पद्य संबंधी मतलब क्या, इस पोएम में क्या बताया गया है, या फिर ये पोएम किस बारे में है। ठीक है, प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छाप मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। मतलब क्या, वो इस प्रस्तुत कविता में, इस प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में, मतलब क्या, जोक्स जो, मतलब जिस पोएम में जोक हो या फिर एक कॉमेडी वे में ऐसी पोएम है ये, और उस पोएम में उन्होंने छापा जो पड़ता है ना, जैसे इनकम टैक्स का रेड पड़ता है वैसे, तो उस रेड के इसमें जिसके घर में छापा पड़ता है, जो कॉमन मैन के घर में अगर छापा पड़ता है, तो उस कॉमन मैन का क्या कंडीशन रहता है, क्या सिचुएशन रहता है, वो हमें अच्छे से बताया गया है। और उसके साथ ही उनकी जो कार्य प्रणाली है, प्रणाली मतलब क्या, जो उनका कार्य करने का तरीका है, किनका, जो छापे मारते हैं ना, जो छापा मारते हैं, उनका जो कार्य करने का तरीका है, वो कैसे मारते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं सामने वाले से, ये सब उन्होंने इस कविता में दिखाया है। ठीक है, कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंगात्मक हास्य उत्पन्न करता है। मतलब क्या, उन्होंने जो इस कविता में वर्णन किया गया है कि छापा इस तरह से मारा गया, तो उसका जो वर्णन किया गया है वो हमें एक हंसी दिलाता है, या फिर एक व्यंग्य जैसी हंसी दिलाता है, जोक जैसा लगता है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही गुड वर्ड्स यूज़ करके उन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, तो अभी हम पोएम की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। तो अभी पोयम की ओर बढ़ते हैं। छापा, छापा मतलब रेड। अभी यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। मतलब क्या, मेरे घर पे रेड हुई और वो रेड छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी रेड हुई थी, ठीक है। इनकम टैक्स की रेड जैसे रहती है। फॉर एग्जांपल आपने कभी पिक्चर्स देखे होंगे फॉर मूवीज़ जैसे स्पेशल 26 या रेड करके एक भी मूवी है अजय देवगन की, उसमें कैसा है वो रेड पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ऐसा उस रेड के बारे में इस पोएम में बात हो रही है, ठीक है। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, मतलब मेरे घर पे एक रेड हुई, वो भी छोटी नहीं बहुत बड़ी थी, ठीक है। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है, ठीक है। मतलब वो डायरेक्टली घर में अंदर आए और घर में घर के अंदर घुसे और डायरेक्टली मुझे पूछा क्या कि सोना कहाँ है, ठीक है। तो अभी ये कवि थे और व्यंग्यात्मक कवि थे, मतलब क्या एक कॉमेडी या फिर एक बोलते ना कॉमेडी वे में वो कवि करते थे। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया या फिर उन्होंने क्या आंसर किया, मैंने कहा मेरी आँखों में है। मतलब क्या कवि ने उनको क्या कहा, उन्होंने जब पूछा कि सोना कहाँ है तो उन्होंने क्या कहा कवि ने कि मेरे आँखों में है, कई रातों से नहीं सोया हूँ। मतलब क्या, कई रातों से मैं नहीं सोया हूँ और मेरे आँखों में सोना है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो इनकम टैक्स वाले थे या फिर जो रेड छापा मारने वाले थे उन्होंने क्या पूछा, सोना मतलब उनका मतलब क्या था कि इससे सोना मतलब गोल्ड, उनके तरह नज़रिए से सोने का मतलब क्या था, गोल्ड। और यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं, सोना मतलब अपन जो यूजुअली स्लीप जिसको बोलते हैं ना, सोना के दो अर्थ रहते हैं ना, एक तो गोल्ड और एक सोना मतलब सो जाना वैसे। तो वो क्या कवि क्या कहते हैं कि मेरे आँखों में है सोना, मतलब नींद जो है वो मेरे आँखों में है क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं सोया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया कवि ने एक व्यंगात्मक तरीके से कॉमेडी वे में, ठीक है। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, ठीक है। वे रोष में मतलब क्या, गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि हम सोने की बात कर रहे हैं, सोना मतलब क्या, स्वर्ण। उन्होंने बहुत मतलब एक और एक अच्छा वर्ड ढूंढा सोने को डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्या था, स्वर्ण। स्वर्ण मतलब गोल्ड, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, सोना मतलब स्वर्ण हम मांग रहे हैं आपका, आपने स्वर्ण कहाँ रखा है, स्वर्ण मतलब आपने गोल्ड कहाँ रखा है अपने घर में, ऐसे वो पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर से कवि क्या जवाब देते हैं, अपने ही कॉमेडी वे में क्या जवाब देते हैं, मैंने जोश में आकर कहा, उन्होंने रोश में कहा तो इन्होंने क्या कहा, जोश में आकर कहा। रोश में मतलब गुस्से में और जोश में मतलब जोश में, ठीक है। तो उन्होंने कवि ने कैसे क्या कहा उसके बाद, मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। मतलब क्या, मैंने अपने काव्य में स्वर्ण बिखेरे हैं, मतलब उनके जो पोयम्स हैं उनके जो लेखन हैं उसमें उन्होंने अपने स्वर्ण बिखेरे। अभी कैसा रहता है, आपने अलंकार नाम का ग्रामर एक टॉपिक रहता है, ग्रामर टॉपिक अलंकार। तो वो अलंकार एक ग्रामर लैंग्वेज में बोला जाता है गहना, ठीक है। अलंकार मतलब क्या, बहुत सारे शब्दों का गहना, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने यहाँ पर मीनिंग क्या निकाला स्वर्ण का, कि मैंने तो वो स्वर्ण जो है वो कविता में डाले हैं, किस रूप में, अलंकार के रूप में। तो अपने काव्य में मतलब अपने पोएम्स में उन्होंने वो स्वर्ण डाले हैं। तो यहाँ पर भी जो कवि रहते हैं वो स्वर्ण का कोई और मतलब निकालते हैं, ठीक है। मैं स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं उन्हें कैसे दे दूँ। मतलब क्या, अभी काव्य में जो मैंने सोने बिखेरे हैं स्वर्ण बिखेरे हैं वो तुम्हें कैसे दे दूँ क्योंकि मैंने वो लिख दिए हैं, ठीक है। ऐसे वो कवि यहाँ पर उनको जवाब देते हैं, ठीक है। अभी आगे वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अभी यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, जो इनकम टैक्स वाले या फिर जो रेड मारने वाले छापा मारने वाले रहते हैं वो क्या बोलते हैं, वे झुंझलाकर मतलब क्या, चिढ़कर, ठीक है, एकदम चिढ़कर बोले तुम समझे नहीं कि हम क्या करें, मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो वो क्या पूछ रहे थे, हमें तुम्हारा अनधिकृत मतलब क्या, अनधिकृत मतलब इल्लीगल तरीके से, अनधिकृत रूप से मतलब इल्लीगल तरीके से अर्जित अर्थ मतलब इल्लीगल तरीके से प्राप्त धन जो है, अर्थ मतलब क्या, धन। अभी ये जो अर्थ का मतलब धन, ये किसके नज़रिए से है, इनकम टैक्स वालों के नज़रिए से, जो छाप मार रहे हैं जो रेड मार रहे हैं उनके नज़रिए से अर्थ का मतलब है धन, ठीक है।
तो वो क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास जो इलीगल एक्टिविटीज़ करके या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ करके से तुम्हारे पास जो धन मिला है या फिर तुम्हारे पास जो धन है, अर्थ मतलब धन या फिर मनी, जो मनी है वो हमें चाहिए, ऐसा कौन बोलते हैं? जो रेड मारने वाले हैं, जो छापा मारने वाले हैं, वो बोलते हैं। अभी इस पे भी वो अर्थ का कोई और मीनिंग निकालते हैं, कौन? कवि। ठीक है, अपने कवि भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, तो कवि क्या करते हैं कि एक और मीनिंग निकालते हैं अर्थ का। तो अर्थ का मीनिंग क्या निकालते हैं वो आगे देखते हैं। देखो, मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। मतलब क्या अर्थ? मतलब यहाँ पर उन्होंने अर्थ का मीनिंग क्या निकाला? मतलब। अर्थ के दो मीनिंग है उनके नज़रिए से, छापा मारने वालों के नज़रिए से अर्थ का मीनिंग है मनी, और कवि के नज़रिए से अर्थ का मीनिंग है मतलब। ठीक है, तो जो यूजुअली मतलब रहता है अर्थ का, उसका मतलब मीनिंग। ठीक है, अर्थ का मतलब दूसरा मीनिंग है मीनिंग। ये थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है बोलते टाइम, क्योंकि उसका मतलब ही मतलब है। ओके, मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। मतलब क्या? मेरे नए कविता है, जो मैंने नई पोएम्स लिखी है उसमें अर्थ है, उसमें मतलब लिखे है मैंने, उसमें मीनिंग लिखी है मैंने, और उसमें से अगर तुम्हें मीनिंग्स मिले तो ढूंढ लो, ऐसा वो उन्हें बोलता है। कि नहीं, जो छाप मार रहे हैं उन्हें बोलता है। ठीक है, अभी वो जो थे, अभी वो जो रेड मारने वाले, वो लोग थोड़ी इतना सुन के लेंगे, वो लोग भी भड़क गए। ठीक है, तो फिर वो क्या बोले? वे कड़क कर मतलब क्या? स्ट्रिक्टली, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि चांदी कहाँ है? चांदी मतलब सिल्वर जो रहता ना, गोल्ड और सिल्वर ही छुपा के रख सकते हैं और डायमंड्स रहते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा कि चांदी कहाँ है? तो यहाँ पर मैं भड़क कर, मतलब क्या? कवि जो थे वो भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। मतलब क्या? उनके बालों में चांदी आ रही है धीरे धीरे। मतलब अपन बोलते हैं चांदी जैसे बाल, तो वैसे उन्होंने यहाँ पर अपने पोएटिक लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस किया है कि मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। क्या आ रही है? चांदी आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत मतलब क्या? कन्फ्यूज होकर उन्होंने कहा, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? तो अभी क्या रहता है, वो जो ब्लैक नोट रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, तो वो क्या बोले कि तुम्हारे नोट कहाँ रखे हैं? तुम्हारे जो पैसे रखे हैं, नोट मतलब इनके नज़रिए से क्या था? रेड वालों के नज़रिए से, जो छापा मार रहे हैं उनके नज़रिए से नोट का मतलब था, जो नोट्स रहते हैं ना हमारे 2000 के नोट, 500 के नोट, वो। और अभी इसका कोई और मतलब निकालते हैं कवि, तो वो मतलब क्या निकालते हैं? देखो, परीक्षा से एक महीने पहले करूँगा तैयार। मतलब क्या? उन्होंने यहाँ पर नोट का मतलब, अपने जो नोट्स रहते हैं ना, जो हम नोट्स बनाते हैं एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए या स्टडीज़ करने के लिए जो नोट्स बनाते हैं, उसका मतलब उन्होंने वो निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर ना हर एक दो दो लाइंस में ना एक वर्ड के दो मीनिंग्स है। एक मीनिंग जो है वो रेड करने वालों की तरफ से है, मतलब क्या? उनके नज़रिए से, जो छापा मार रहे हैं उनके नज़रिए से। और एक मीनिंग जो है वो कवि के नज़रिए से। ठीक है, मैं बाद में आपको पूरा एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, अभी ध्यान दे दो। मैं कहते हाँ, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, मतलब तुम्हारे जो करेंसी थे, यहाँ पर वो पूछते हैं कि आपकी करेंसी कहाँ है, नोट कहाँ है। तो यहाँ पर जो कवि रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि परीक्षा से एक महीने पहले करूँगा तैयार, जब मेरी एग्ज़ाम आएगी तो एक महीने पहले मैं नोट्स तैयार करूँगा। आपका भी वैसे रहता है ना कि किन किन लोगों के नोट्स इनकम्प्लीट रहते हैं, जब एग्ज़ाम पास आती है तो तब वो कम्प्लीट करने लगते हैं। तो वैसे ही कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब परीक्षा आएगी उसके एक महीने पहले मैं अपने नोट्स बनाऊँगा। ठीक है, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। ठीक है, मतलब क्या? उनका मतलब है आप, मतलब वो बोलते हैं कि मेरा, हम लोग का जो मतलब है नोट का मतलब, वो जो एग्ज़ाम में नोट्स लिखते हैं वो वाला नोट नहीं, हमारा मतलब है मुद्रा। मुद्रा मतलब क्या? पुराने ज़माने में मुद्रा किसको बोला जाता था? जो कॉइन्स रहते थे ना, गोल्ड कॉइन्स या पैसे, जिसमें हम मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी या फिर उस थिंग को बोलते थे मुद्रा। ठीक है, मुद्रा मतलब कॉइन्स हो या पैसे हो, ऐसे बोलते थे। तो वो क्या बोलते हैं, जो रेड छापा मारने वाले रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको मुद्राओं के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, आप कुछ अलग ही बता रहे हो और हम आपको मुद्राओं के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये गरज कर मतलब बोलते हैं ना, एकदम तड़ाके फड़ाके में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि हमने मुद्राओं के बारे में पूछा और आप कुछ अलग बता रहे हो। तो कवि इस पर क्या कहते हैं? कवि इस पर भी रास नहीं आते। कवि क्या कहते हैं? मैं लरज कर बोला, लरज कर मतलब क्या? शर्मा कर, मैंने शर्मा कर कहा,
मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए, मतलब क्या मुद्राएं जो है वो आप मेरे मुख पर देख लीजिए, आप मेरे चेहरे पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, जो एक्सप्रेशंस रहते हैं ना वो हिंदी में उन एक्सप्रेशंस को बोलते हैं मुद्राएं। ठीक है, प्यार वाली मुद्रा रहती है, शांत मुद्रा रहती है, गुस्से की मुद्रा रहती है, तो एक जो चेहरे के जो हाव भाव रहते हैं ना उनको मुद्राएं बोला जाता है। तो वो क्या लरज कर मतलब शर्मा कर कवि कहते हैं कि आप मेरे चेहरे पर मुद्राएं देख लीजिए। ठीक है, मुद्राएं मतलब एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी कवि ने मुद्रा का कोई अलग अर्थ निकाला और वो अर्थ है एक्सप्रेशंस या फिर चेहरे के हाव भाव। ठीक है, तो मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर मतलब चेहरे पर देख लीजिए। ठीक है, तो अभी आगे वो क्या करते हैं, वो खड़े होकर कुछ सोचने लगे। अभी वो क्या थे, वो जो छापा मारने वाले जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या, वो तंग आ गए थे कवि से, जो हमारे ओम प्रकाश आदित्य जो कवि है उनसे तंग आ गए थे, क्योंकि वो कुछ और पूछ रहे थे और वो कुछ और ही बता रहे थे, वो कुछ मतलब कंफ्यूज हो रहे थे। जो ऑफिसर्स थे जो छाप मारने वाले रेड मारने वाले वो थोड़े कंफ्यूज हो गए थे और उन्हें लगा कि इनसे बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है इनसे बात करने का। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तो वो कुछ सोचने लगे और उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया, फिर शयन कक्षा में घुस गए। शयन कक्षा मतलब क्या, जो बेडरूम रहता है जहाँ पर आराम करने का जो रूम रहता है बेडरूम, उसको बोलते हैं शयन कक्षा। शयन कक्षा में वह अंदर घुस गए। ठीक है, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। ठीक है, तो फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। अभी इसके बाद क्या, अभी देखो अभी क्या पूरा सीन कैसे हुआ है कि पहले वो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उनसे बातचीत की, उनको प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिला या फिर वो कुछ और ही बता रहे थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया और घर के अंदर बेडरूम के अंदर घुस के उन्होंने जो ऑलरेडी फटा हुआ, यहाँ पर देखो कवि कह रहे हैं कि और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। फटे हुए तकिए की मतलब क्या, जो ऑलरेडी जो तकिया उनका फटा था उस तकिए की रुई वो नोचने लगे, मतलब वो रुई बाहर निकालने लगे। आपने कभी देखा होगा मूवीज़ में जो इनकम टैक्स रेड पड़ते हैं तो वो लोग सब तहस महस करके सब कुछ ढूंढने लगते हैं, सब फाड़ने लगते हैं, तकिया हो, बेड हो, बेडशीट हो या फिर जो भी मतलब जो भी हो ना वो सब फाड़ गिड़ के सब छानबीन मारते हैं। ठीक है, तो फिर फटे हुए तकिए में भी उन्होंने ढूंढना चालू किया। ठीक है, तकिए में की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, मतलब क्या, वो जो अलमारी कवि के घर में जो अलमारी ऑलरेडी टूटी थी उस अलमारी को खोलकर उन्होंने छानबीन की, किन्होंने, छापा मारने वालों ने, ऑफिसर्स जो थे रेड मारने वाले उन्होंने। ठीक है, उन्होंने रसोई की खाली पिपियों को टटोला, मतलब क्या, जो रसोइये में जो खाली ड्रम्स रहते हैं ना, अभी आप जाओगे अगर गांव में क्या सिटीज़ में भी जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं ना वो क्या करते हैं, किचन के इसमें यहाँ पर एक ड्रम्स रखते हैं या डब्बा रखते हैं एक बड़ा, जिसमें वो पूरा राशन लाके रख देते हैं, दाल हो, चावल हो, कम से कम हर एक के घर में एक ड्रम रहता है जिसमें चावल भरे हो या फिर गोनी रहती। तो वो क्या बोल रहे हैं, पिपिया मतलब ड्रम्स, तो जिस ड्रम्स में वो धान्य रखते थे, चावल रखते थे ऐसा स्टोर करके, वो भी उन्होंने रसोई की खाली मतलब क्या, वो जो ड्रम्स भरे रहते सबके घर में चावल से या दाल से या धान्य से, वो ड्रम्स भी उनके घर में खाली थे और उन खाली ड्रम्स में भी वो छानबीन करने लगे, कौन, जो ऑफिसर्स थे वो। ठीक है, मतलब यहाँ पर ना हर एक सेंटेंस में कवि क्या बता रहे हैं, उनकी गरीबी बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। कि देखो पहला जो सीन था उसमें क्या बताया कि जो तकिए थे वो ऑलरेडी फटे थे, सेकंड सीन था उसमें क्या बताया कि जो अलमारी थी वो ऑलरेडी टूटी थी, उस अलमारी में कुछ नहीं था, और ये थर्ड सीन बता रहे हैं कि जो ड्रम्स रहते हैं जिसमें धान्य रखते हैं स्टोर करके या चावल रहते हैं जो स्टोर करके रखते हैं, वो चावल भी उस ड्रम में नहीं थे, वो ड्रम खाली था। ठीक है, पिपियां मतलब ड्रम, तो पिपियों को टटोला मतलब चेक किया। ठीक है, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, मतलब क्या, बच्चों की जो गुल्लक रहती है जिसमें हम एक एक दो दो रुपया जो जो मम्मी से मिलता है वो कलेक्ट करते रहते हैं उस गुल्लक में, वो गुल्लक भी उन्होंने चेक कर डाले, उस गुल्लक में भी उन्होंने छानबीन की। ठीक है,
पर सब में मिला एक ही तत्व खाली, मतलब क्या, सब में एक ही चीज मिली, वो क्या मिली, खाली, मतलब क्या, एक ही तत्व खाली, मतलब सब कुछ ढूंढा वो लोग ने पर उन्हें क्या मिला, कुछ नहीं, खाली मतलब नथिंग, कुछ नहीं मिला उन्हें, सब कुछ ढूंढ लिया फिर भी, ठीक है। अभी आगे क्या क्या ढूंढ रहे हैं वो देखो, कनस्तरों को, कनस्तरों मतलब क्या, जो टिन के डब्बे रहते हैं ना, एक पतरा टिन मालूम है ना, मटेरियल रहता है वो, मटेरियल से बना जो डब्बा रहता है टिन का डब्बा, उसमें भी पहले ज़माने में पैसे रखा किए करते थे, तो वो भी उन्होंने ढूंढ डाला। मटकों को ढूंढा, मटकों को भी ढूंढा, जो मटके थे घर में उनको भी ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड, मतलब क्या, सब में उन्हें जीरो मिला, शून्य ब्रह्मांड मतलब नथिंग, कुछ नहीं मिला, ठीक है। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, मतलब क्या, ये सब देखकर मेरे घर में ये सब पूरा अरण्यकांड, अरण्यकांड मतलब क्या, सब तहस महस करके जाना, और बोलते हैं ना सब तहस महस, अब अगर किसी के घर में जाओगे और उसका सब कुछ चीज़ सब तहस महस होगी और उसके घर में कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, उस पूरे इसको बोलेंगे अरण्यकांड, ठीक है। तो ये रामायण में एक वर्ड यूज किया गया था अरण्यकांड, उसका यहाँ पर एक बोलते हैं ना यूज किया गया कविता के माध्यम से कवि ने, अरण्यकांड मतलब क्या, सब पूरा तहस महस करके जाना, और मतलब पूरा तहस महस दिख जाना और उसके अलावा उधर कुछ और नहीं मिलना, ठीक है, कोई मूल्य चीज़ नहीं मिलना। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, अभी ये सब ये क्या, अभी अभी वो कवि क्या बता रहे हैं कि ये जो इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, सब छानबीन की, सब कुछ तहस महस कर दिया, तकिए फाड़े, बहुत कुछ किया, पर उन्हें क्या मिला, कुछ नहीं मिला, जीरो मिला, शून्य ब्रह्मांड मतलब क्या, जीरो मिला उन्हें, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए वो जो होप लेके आए थे कि वो लोग कुछ ना कुछ मेरे घर से या फिर कवि के घर से, मेरे नहीं कवि के घर से कुछ ना कुछ उन्हें मिल ही जाएगा, वो जो उनकी होप थी वो नहीं मिला, मतलब कवि जो थे वो निर्दोष थे, उनके घर में कोई भी इल्लीगल तरीके से जो कमाए गए जो पैसे है इल्लीगल तरीके से वो उन्हें नहीं मिले, इसलिए वो परेशान, मतलब वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे उनको पश्चाताप हुआ कि उन्होंने एक कॉमन मैन को परेशान किया, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया, मतलब क्या, वो बोल रहे हैं कि उनका जो हृदय था उनके मन में उनके दिल में जो पहले वो एक फीलिंग लेके आए थे, मतलब वो जो पहले सोच कर आए थे कि यहाँ पर ये जो आदमी है ये इल्लीगल एक्टिविटी से पैसा कमा कर काला धन अपने घर में छुपाए बैठा है, वो जो वो मन में या फिर दिल में एक एंगर लेके आए थे, रौद्र मतलब क्या, एंगर, एक एंगर की भावना लेकर आए थे, ये सब देख के, ये सब उन्हें जब पता चला कि ये जो कवि है वो बहुत ही अच्छे मतलब बहुत अच्छे आदमी है, वो ना ही किसी काला, ना ही कहीं उन्होंने काला धन छुपा के रखा है, ना ही वो मतलब बोलते ना एक फ्रॉड या फिर ऐसा कुछ करते हैं, तो उनके मन में जो उनके बारे में जो एंगर था वो किस में बदल गया, दया के रूप में बदल गया, ठीक है। रौद्र की जगह करुण रस समा गया, करुण रस मतलब क्या, दया, ठीक है, दया, उनके दया की फीलिंग आने लगी, ठीक है। पहले वो क्या, जैसे जब वो आए रेड डालने, छापा मारने, तब उनके मन में एक एंग्री या फिर एंग्रीनेस था या फिर बोलते हैं ना एक क्रोध का भाव था, और अभी उनके मन में क्या है, दया का भाव है, करुणा का भाव है, रस मतलब भाव, ठीक है। तो उनके फीलिंग्स जो उनके लिए जो थी गंदी फीलिंग्स, गंदी मतलब जो गुस्से वाली जो फीलिंग रहती है वो, ठीक है, तो वो उनकी वो जो गुस्से वाली फीलिंग थी वो प्यार में बदल गई, दया में बदल गई, क्यों, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये जो इंसान है वो बहुत अच्छे है, जो हम सोच रहे थे वो गलत है, या फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इनके पास काला धन है वो गलत है, ठीक है। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी, तो वो जो ऑफिसर्स थे वो कवि को क्या बोले कि हमें माफ़ कीजिए, हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, मतलब क्या, उनकी जो असफलता थी, असफलता मतलब उनका जो फेलियर था उसके बारे में, उसके लिए वो मन ही मन पछताने लगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था कि कवि जो है उन्होंने कहीं पैसा दबा कर रखा है या ब्लैक मनी उनके पास है, पर वैसा नहीं था, तो ये जो उनकी फेलियर था वो उसके लिए पछता रहे थे, पछतावा हो रहा था उनको, ठीक है। सिर झुकाकर वापस जाने लगे, मैंने उन्हें रोका, कहा ठहरिए, ठीक है,
तो उन्होंने कवि ने क्या कहा कि जब वो सिर झुकाकर जाने लगे, जो ऑफिसर्स थे उन्हें कुछ नहीं मिला खाली हाथ, वो लोग वापस सिर झुकाकर जाने लगे, तब कवि ने उन्हें रोका और कहा ठहरिए। और उन्होंने कहा कहा क्या कहा कवि ने वो आगे देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है जो उन्होंने एक सोशल मैसेज दिया यहाँ पर, ये ठीक है। सिर मत धुनिए मेरी एक बात सुनिए, ठीक है, सिर मत धुनिए मेरी एक बात सुनिए, मतलब क्या, अपना सिर मत झुकाओ मेरी एक बात सुन के जाओ, ठीक है। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, मतलब क्या, मेरे घर में अगर ज़्यादा धन होता तो आप लेके जाते ना मेरे घर से, अगर ज़्यादा धन होता तो। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते, मतलब क्या, मेरे घर में अभी, मतलब अगर मेरे घर में अगर आपको धन मिल जाता तो आप वो क्या करते, वो धन लेके जाते, पर अभी मेरे पास, आपने देखा इतना कुछ, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घर में कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, और तो आप मुझे कुछ देके क्यों नहीं जाते, अगर होता तो लेके जा सकते थे, तो अगर नहीं है तो देके क्यों नहीं जाते, ऐसा सवाल पूछते कौन, कवि, ठीक है। तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते, जिनके घर में सोने चांदी की पलंग और सोफे है, मतलब क्या, जिनके घर में सोने चांदी की पलंग और सोफे है उन्हें आप निकलवा लेते हैं, मतलब क्या, जिनके घर में जो सोने और चांदी की पलंग रहती है उनको आप निकलवा लेते हैं, मतलब खुद के साथ लेके जाते हैं सोने चांदी की पलंग जो रहती है वो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मतलब ये जो आप लेके जाते हैं सोने चांदी की पलंग वो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने वो जो सोने चांदी की पलंग जो खरीदी रहती है या फिर सोने चांदी की जो पलंग उनके पास रहती है वो कहीं बोलते ना इलीगल तरीके से आई रहती है, ठीक है, अनधिकृत उस तरीके से वो आई रहती है, तो आप बराबर करती हो कि आप वो जो था वो जो सामान रहता है उनका सोने चांदी का वो लेके जाते हो, पर बहुत अच्छी बात है निकलवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है निकलवा लीजिए, मतलब क्या आप लेके जाइए वो सब जो सोने चांदी के जो पलंग रहते हैं या बेड्स रहते हैं वो सब, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, मतलब क्या, जिनके घर में बैठने को भी कुछ नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, मतलब क्या, जिनके पास बैठने के लिए भी कुछ नहीं है ऐसे घर में भी आप रेड मारते हो, तो उन घरों में जिन जहाँ जिस घरों में बैठने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर आप एक तख्त तो लगवा दीजिए, तख्त मतलब क्या बेड बोल सकते हो, या फिर ऐसा नहीं कि बेड ही है, तख्त मतलब जहाँ पर बैठ के रेस्ट कर सकते हैं ऐसा एक चीज़ या फिर ऐसी एक थिंग, ठीक है, जहाँ पर हम बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा तख्त तो हमें दिलवा दीजिए, ठीक है, ऐसे किसको, जिनके घर में बैठने के लिए भी बोलते हैं ना कुछ नहीं है उनके घर में, ऐसा कवि कहते हैं लास्ट में उन्हें, ठीक है, यहाँ पर एक सोशल मैसेज देके कवि उन्हें जाने देते हैं। गौरी बैठी छत पर से, मतलब क्या, गौरी बैठी छत पर, आपको पीछे इंट्रोडक्शन में दिया था, देखो इनके जो काव्य संग्रह है वो कौन से है, एक गौरी बैठी छत पर और ऐसे बहुत सारे थे, तो ये जो गौरी बैठी छत पर ये काव्य संग्रह है उनमें से उसका एक ये एक पार्ट है जिसमें ये पोएम लिखी गई थी, ठीक है। तो ये पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है, कुछ मीनिंग्स यहाँ पर दिए हैं और हम अभी आई होप आपको ये पोएम पूरी समझी होगी, अब हम इसके एक्टिविटीज़ पे बढ़ते हैं, ठीक है, तो एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, तो यहाँ पर कृति पूर्ण कीजिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। कवि ने छापा मारो से मांगा, तो क्या मांगा था कवि ने, यहाँ पर लास्ट जो स्टैंजा था उसमें क्या लिखा था, कुछ धन और एक तख्त, ठीक है, तो ये जो दो आंसर्स है वो आएंगे इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ, मतलब क्या, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ कौन सी थी, एक तो फर्स्ट पंक्ति जो थी ना वो इधर है यहाँ पर, फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पिपियों, ठीक है, या फिर पिपिया लिखिए, पिपियों यहाँ पर सेंटेंस पूरा करने के लिए यहाँ पर जोड़ा गया है, तो आप क्या लिखेंगे, फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पिपियाँ, ठीक है। और नेक्स्ट ये यहाँ पर आएगा फर्स्ट कॉलम में, ये जो अभी बताए वो इसमें आएगा, इधर आएगा आंसर इसका, और इसका आंसर है जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दो अलग अलग घर के या फिर दो अलग अलग घरों की एक सिचुएशन बताई गई है, एक तो है जो गरीब रहते हैं वो मिडिल क्लास, और एक जो है वो अमीर रहते हैं वो उनके, ठीक है। और अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ, अंतिम जो चार पंक्तियां हैं उनका भावार्थ आपको लिखना है इसमें, ठीक है।
अभी यहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए, वे वस्तुएं खाली थी, तो कौन सी वस्तुएं खाली थी, आप अगर पहले पेज पे देखोगे फर्स्ट जो आपका फर्स्ट पार्ट है पोएम का उसमें दिख जाएगा। तो फर्स्ट जो क्या था वो है कहा गया, हाँ, रसोई की पिपियाँ, पिपियाँ मतलब जो रसोई में रखे जो ड्रम्स थे जिसमें चावल या वो सब रखते वो सब खाली थे। सेकेंड क्या था, टूटी अलमारी ऑलरेडी टूटी थी, मतलब उसमें कुछ रखा नहीं था तो वो खाली थी, ठीक है। कनस्तर व मटका, कनस्तर मतलब जो टिन का डब्बा रहता है वो, और मटका मतलब आपको पता है पॉट, तो वो भी था, वो भी खाली था, ठीक है। बच्चों की गुल्लक भी खाली थी, तो ये सब जो चार चीज़ें हैं वो खाली थी, ठीक है। नेक्स्ट मैच द कॉलम, इधर यहाँ पर कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए, ठीक है। तो फर्स्ट जो था अर्थ, अभी अर्थ का फर्स्ट का क्या आएगा, कवि ने क्या कहा था, नई कविता में अर्थ जो है वो मेरी नई कविता में मिलेंगे, तो फर्स्ट का आंसर ये है, ठीक है। सेकंड का आंसर ये है, लास्ट वाला स्वर्ण मता, यहाँ पर स्वर्ण का क्या आएगा, काव्य कृतियों में, मतलब काव्यों में मिल जाएंगे, पोएम्स में मिल जाएंगे, ऐसा कवि कहते हैं। चांदी कहाँ मिल जाएगी, बालों में। और मुद्रा मतलब एक्सप्रेशंस, हाव भाव जो रहते हैं चेहरे के, वो कहाँ पर मिलेंगे, चेहरे पर, तो यहाँ पर आंसर उसका चेहरे पर, ठीक है। अभी ये जो है प्रवाह, ये आपको बाद में बताता हूँ, एक मिनट पहले ये देख लेंगे आप। सोना चांदी अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताए हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए, मतलब क्या, कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखने हैं, तो कविता के आधार पर इनका अर्थ, पहले तो इन शब्दों के दो अर्थ बताने हैं। जैसे सोने का दो अर्थ क्या है, एक तो अपना स्वर्ण है और दूसरा है सोना, मतलब सो जाना, वैसे तो दो अर्थ है। अभी कविता में इसमें क्या यूज़ किया गया है, कविता के इसमें सोना, तो ये सोने वाला सोना यूज़ किया गया, मतलब कैसे बोलूँ, जो सोते हैं ना वैसे, वो वाला मीनिंग यूज़ किया गया है। अभी चांदी के दो मतलब कौन से हैं, एक तो है स्वच्छ, मतलब स्वच्छ जो बाल रहते हैं, बोलते ना चांदी जैसे बाल, वो तो एक स्वच्छ और शुभ बोल सकते हो एक अर्थ, और दूसरा अर्थ है अपोजिट, मतलब एक अलग अर्थ होता है चांदी का, वो है धातु, एक धातु, चांदी एक धातु है, ठीक है। वैसे अभी अर्थ के भी दो अर्थ है, ठीक है, अभी अर्थ के भी दो अर्थ है, मतलब दो मतलब है, एक तो उसका अर्थ है मतलब, और दूसरा अर्थ है उसका मनी, धन, ठीक है। तो ऐसे हर एक वर्ड के दो दो मीनिंग्स है। मुद्रा के मतलब क्या, एक जो पैसे रहते हैं उन्हें भी मुद्रा कहा जाता है, और दूसरा मीनिंग क्या है मुद्रा का, जो हाव भाव रहते हैं चेहरे के, या फिर बोल सकते हैं जो एक्सप्रेशंस रहते हैं उन्हें बोला जाता है मुद्रा। इसका आंसर मैं आपको एक बार ऐसे बता दूंगा एक बार बुक में। फिर आगे यहाँ पर देख लेते हैं, पहले ये भी एक टेक्सुअल क्वेश्चन है, कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव, तो अभी कवि ने क्या क्या सुझाव दिए छापामारों को आप लिख सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, जिसके घर में बिल्कुल धन ना हो उसे कुछ धन दे दीजिए, ठीक है, मतलब जिसके पास ज़्यादा धन हो उससे धन ले लीजिए, और जिसके पास ज़्यादा धन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा छोड़ो बिल्कुल भी नहीं है, उनको वो धन दे दीजिए, वो धन मतलब थोड़ा बहुत धन दे दीजिए। ऐसा कवि ने एक सुझाव, दो सुझाव दिए कि दें जो ऑफिसर्स थे इनकम टैक्स वाले, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें, ठीक है, तो शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें कौन सी थी। शयन कक्ष मतलब बेडरूम, ठीक है, फटा हुआ तकिया और क्या, टूटी हुई अलमारी, ये जो दो चीज़ें थे वो शयन कक्ष में उन्हें मिली थी, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है और एक, यहाँ पर छापा मारने वालों में आए परिवर्तन, ठीक है, तो छापा मारने वालों में क्या क्या चेंजेस आए, तो फर्स्ट तो उनका क्या था, उनका खिला चेहरा मुरझा गया, उनका जो खिला चेहरा था, वो जो खिला चेहरा लेके आए थे वो मुरझा गया। सेकंड है हृदय में रोध की जगह करुणा रस समा गया, मतलब क्या, जो एंग्रीनेस था वो भूल के वो लोग, उन्हें दया आने लगी, उन्हें करुणा का भाव आने लगा, ठीक है। बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी, ये भी उनमें परिवर्तन आया। और लास्ट क्या आया, असफलता पर मन ही मन
पछताने लगे, मतलब क्या उनके फेलियर पे वो मन ही मन पछताने लगे। ये चार जो थे वो उनमें चेंजेस आए। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। और ये आपका लास्ट ब्रीफ है, लास्ट ब्रीफ का क्वेश्चन और उसका यहाँ पर पूरा आंसर लिखा गया है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं स्लोली बुक ऊपर करूँगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझा होगा, एक्टिविटी भी समझी होगी और पोएम भी अच्छे से, बहुत इजी पोएम थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।